नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ऑल इंडिया गोजू रियू कराटे डू फेडरेशन का कलर बेल्ट एवं ब्लैक बेल्ट एग्जामिनेशन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर SDO पीयूष सिन्हा शामिल हुए। इसके अलावा इंटरनेशनल हेड बॉल कोच डॉक्टर हसन इमाम, जमशेदपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद, मुनका प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रशांत कुमार समेत अन्य उपस्थित थे। नहीं, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आत्मरक्षा के लिए कराटे जो ये सीख रहे हैं अपने ट्रेनर के नागेश्वर राव जी के मार्गदर्शन, मैं आशा करता हूं कि इसको कंटिन्यू करें और बहुत ही अच्छा कराटे सीखें, अलग और बेटर बेल्ट्स अचीव करें। और अगर कुछ बच्चे इसमें से अच्छा नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, ओलंपिक लेवल पर जा सकें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आशा करता हूं कि ये काफ़ी अच्छे से अपना जो भी कराटे सीख रहे हैं इसको ना सिर्फ एज अ स्पोर्ट ओनली बट ऑल्सो एज एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इसको कंटिन्यू। आज के मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया के युग में दिन प्रतिदिन सब लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज कम होती जा रही है और इस समय कराटे या अन्य स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो भी शहर में चल रही हैं उसमें जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। और उनको जो गाइड कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेनर के रूप में हो, चाहे इंस्टीट्यूट के रूप में हो, चाहे कोई भी हो, वो सब भी बधाई के पात्र हैं। और जमशेदपुर के बच्चे और जमशेदपुर के वासी तो इस दिशा में उसमें किस्मत है कि टाटा स्टील है यहाँ पर और टाटा स्टील ने अपने आरंभिक काल से स्पोर्ट्स अ वे ऑफ लाइफ का नारा दिया है। तो पूरे भारत में स्पोर्ट्स के लिए जितना लोगों को परिश्रम करना पड़ता है, यहाँ के बच्चे, यहाँ के नागरिकों को उससे कम परिश्रम करना पड़ता है स्पोर्ट्स में एडमिशन लेने के लिए, स्पोर्ट्स में अचीवमेंट करने के लिए तो परिश्रम सदैव करना पड़ा था और करना पड़ेगा। परंतु यहाँ पर इतनी स्पोर्ट्स को लेकर के सुविधाएँ हैं और विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं और निश्चित तौर पर सब बच्चों को इसका लाभ लेना चाहिए। मैं जो बच्चे आज यहाँ शामिल हुए उनको भी बहुत बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ और आयोजकों को भी बहुत बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ कि आप देश के उज्ज्वल भविष्य को गढ़ रहे हैं और एक सशक्त युवा बनने में उनको सहायक प्रदान कर रहे हैं, सहायता प्रदान कर रहे हैं। मैं क्योशी एल नागेश्वर राव, जनरल सेक्रेटरी झारखंड स्टेट कराटे डू एसोसिएशन एंड ऑल इंडिया गोजू कराटे डू फेडरेशन चीफ। आज यहाँ बेल्ट एग्जामिनेशन हुआ है और इसमें करीब 18 स्कूल्स भाग लिया है और करीब 90 बच्चे जो है लगभग आए हैं और खास करके बच्चियाँ ज़्यादा है और हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा रहता है बच्चियाँ लोग। तो बहुत से बच्चे को आज कलर बेल्ट हुआ है, जैसा ग्रीन बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, येलो बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, लेकिन 4 बच्चे उसमें ब्लैक बेल्ट में भी पास हुए हैं। बहुत कठिन है ब्लैक बेल्ट के लिए, मिनिमम 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करने के बाद वो बच्चे को मिलता है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद। एक्चुअली हमारा जो फेडरेशन है वो जापान से रिकॉग्नाइजेशन है, मैं हर 2 साल में एक बार जापान जाने की कोशिश करता हूँ ताकि एडवांस ट्रेनिंग भी सीख रहा हूँ ताकि बच्चे लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सिखा सके और बच्चे स्टेट और नेशनल में मेडल ला सके। बहुत से बच्चे हैं जो आप देखें, आप जो टेस्ट हुआ उसमें बहुत से बच्चे जो है नेशनल भी जीते हैं, इंटरनेशनल भी जीते हैं बांग्लादेश में और नेपाल में। तो ऐसा अपना चाहे तो करियर भी बच्चा बना सकता है क्योंकि आज के दिन में कराटे जो है एक स्पोर्ट्स गेम है और ओलंपिक में भी कराटे आ गया है। 2020 में आप देखोगे टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ उसमें भी कराटे जो है शामिल था। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।